पहला सांसद है जिसको राष्ट्रीय सम्मान नहीं, जो राजकीय सम्मान नहीं दिया। मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, पर मैंने सोचा कि मरती तो हजारों लड़कियां रोज हैं। बताओ, हमें डाकू के नाम से जानते हैं लोग, डाकू, फूलन देवी डाकू। बताओ, मेरे चार हाथ पैर हैं, कहते चम्मेल घाटी की है, चम्मेल घाटी के चम्मेल घाटी मेरी माँ बाप है। अरे मैं साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। ये बात तो आपको पता ही होगी, जब उत्तर प्रदेश के किसी सांसद या विधायक की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाता है, यानी प्रशासन उन्हें सैल्यूट करती है और अंतिम विदाई देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के ही एक ऐसे सांसद की अंतिम विदाई के दौरान राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी कि उन्हें अंतिम विदाई देनी है, लेकिन अंतिम विदाई नहीं दी गई। क्या ये बात आपको पता है? अगर आप नहीं जानते, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं उस कहानी को बताऊंगा जब एक सांसद की हत्या कर दी जाती है और अंतिम विदाई के समय प्रशासन तैयार तो थी, लेकिन ऊपर से फरमान जारी होता है कि उस सांसद को अंतिम विदाई के दौरान सैल्यूट नहीं करना। साथियों, एक समय था जब अगड़ी जातियों का छोटी जातियों पर दबदबा हुआ करता था। अगड़ी जातियों के पास जमीन हुआ करते थे और जमीन को जोतने बोने के लिए छोटी जातियों का सहारा लिया करते थे और छोटी जातियों को मजदूरी तो कराते थे, साथ ही उनकी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ भी करते। ऐसी कहानी हम लोग बहुत सुनी थी। लेकिन एक ऐसी कहानी जो बेहमई कांड के नाम से मशहूर हुई, बिहार के जंगल में 4 साल समय बिताने के बाद 11 साल जेल में रही और 2-2 बार की सांसद बनी दस्यु सुंदरी फूलन देवी की कहानी को सभी लोग जानते हैं कि एक ही इस लाइन में 22 लोगों को खड़ा कर उसने हत्या कर दी थी, यानी गोली से भून दिया था। 10 अगस्त 1963 का वो समय जब एक मल्ला छोटी बिरादरी के घर में एक बेटी का जन्म होता है। उस समय छोटी परिवार की बेटी होने के बावजूद उस घर में बहुत ही उल्लास होता है कि घर में बेटी पैदा हुई है, लक्ष्मी पैदा हुई है। धीरे धीरे वही बेटी जब 11 साल की होती है तो 11 साल की उम्र में ही उसने लड़ना सीख लिया था, अपने जमीन को समझना सीख लिया था और मल्लाह की बेटी होने के बावजूद अपने जमीन को किसी को देना नहीं चाहते थे। अगड़ी जाति के लोग उसकी जमीन को हथियाना चाहते थे, लेकिन उसने अभी कभी ऐसा नहीं होने दिया। समय बीतता गया, लेकिन एक समय जब ऐसा आया जब उस बेटी को अगड़ी जातियों ने अगवा कर लिया और 3 हफ्ते तक उसे एक बंद कमरे में रख कर उसे मारा, पीटा और रेप किया। फिर कहानी शुरू होती है जब बेटी वो बच बचाकर घर से बाहर निकल जाती है। घर से भागते भागते चंबल की घाटी पहुंचती है, बिहार में पहुंचते हैं, वहां पे डाकुओं का झुंड दिखाई देता है। उसी डाकुओं के साथ शामिल होकर फूलन देवी ने इतिहास रचा। अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अपनी जमीन नहीं बचा। समय आया 14 फरवरी 1981 का। बेहमई गांव में एक शादी समारोह चल रहा। उस शादी समारोह का फायदा उठाकर पुलिस की वर्दी में फूलन देवी ने 22 लोगों की हत्या कर दी। वो भी किस लिए? क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो फूलन देवी का विरोध करते थे, फूलन देवी के साथ गलत किया था। उन्हीं लोगों को जब फूलन देवी खोजी, जब वो लोग नहीं मिले तो वहां के कुछ लोगों को, अगड़ी जातियों के लोगों को एक साथ खड़े करके भून दिया। उस समय ये चर्चा का विषय बन चुका था। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीपी सिंह इस्तीफा भी दे दिए थे कि हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे। फूलन देवी का गिरोह कांड करने के बाद बहुत दूर चला गया और पुलिस प्रशासन ने लगातार प्रयास किया कि कम से कम फूलन देवी को खोज लिया जाए। जब इंदिरा गांधी की सरकार नहीं खोज पाई तो इंदिरा गांधी की सरकार ने कह दिया कि आप आत्मसमर्पण करिए, जो आप मांगना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आत्मसमर्पण किया और फिर 11 साल तक जेल में रही और 11 साल जेल में रहने के बाद फूलन देवी के साथ एक बहुत ही बड़ी घटना घटी। घटना ये कि उनके पेट में अल्सर होता है और अल्सर के नाम पर उनके बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है और डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब फूलन देवी के बाद कोई दूसरा फूलन देवी पैदा नहीं होगी।
फिर क्या, बच्चेदानी निकाल ली जाती है। 11 साल के बाद 1994 का जब समय आता है तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया और जेल से रिहा कर दिया। 1996 में पहली बार मिर्जापुर की सांसद बनी और 2001 में एक ऐसी बड़ी घटना घट गई जिससे पूरा देश दहल गया और सब लोग परेशान होने लगे कि आखिर फूलन देवी कहाँ है। दलित पिछड़ों की आवाज बंद हो गई, गरीबों मजलूमों की आवाज दब गई और फूलन देवी की हत्या हो गई। फूलन देवी की हत्या करने वाला शेर सिंह राणा जब दिल्ली उनके आवास पर पहुंचा तो सबसे पहले खुशी और झूम के उनसे बात किया और फूलन देवी ने उन्हें खीर खाने को दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस व्यक्ति को मैं खीर दे रही हूं वो मेरी जान भी ले लेगा। खीर खाने के बाद शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया कि आखिर फूलन देवी की हत्या क्यों हुई। साथियों, बड़ा सवाल था कि आखिर फूलन देवी, जो सच में फूलन देवी बनती है, बैंडिट क्वीन बनती है, जिसको दक्षिण सुंदरी के नाम से जाना जाता है, उसकी हत्या करने का सिर्फ एक ही जुर्म था कि उसने अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ाई शुरू की थी, उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कहते हैं कि जब आप अच्छा कर जाएंगे तो आपका नाम जीवन भर याद किया जाएगा और आज भी फूलन देवी का नाम याद किया जाता है। लेकिन जब फूलन देवी की हत्या होती है तो उस समय वो सांसद थी और सांसद की मृत्यु के बाद प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी कि राजकीय सम्मान के साथ बैंडिट क्वीन फूलन देवी, जिनकी हत्या हुई है, उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन ऊपर से फरमान जारी होता है कि नहीं, सांसद को कोई भी राजकीय सम्मान नहीं दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आखिर सचिवालय की कहानी मुलायम सिंह यादव उस हमेशा बार बार संसद में उठाते रहे कि आखिर क्या मसला था, गृह मंत्री जवाब दे कि आखिर क्या मामला था कि एक सांसद की मृत्यु के बाद उसे राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। साथियों, आज भी फूलन देवी के जब बलिदान का दिवस आता है तो सब लोग बलिदान दिवस को याद करते हुए कहते हैं, बेटी हो तो फूलन जैसी, जो अपने हक की आवाज उठा सके, अपने हक की लड़ाई लड़ सके। और आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई घर में पैदा हो तो फूलन देवी जैसी, क्योंकि फूलन एक ऐसी होनहार बेटी थी जिसने अपने परिवार की रक्षा तो की ही, साथ ही अपनी इज्जत बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ ली। और बार बार कहती हूं कि मैं किस तरह से डाकू दिखती हूं, मेरा कसूर तो बस यही था कि मैं गरीब घर में पैदा हुई थी, मेरा कसूर तो सिर्फ यही था कि मेरे साथ इज्जत लूटने वाले की मैंने हत्या कर दी। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा कि फूलन देवी के बारे में क्या सोचते हैं। फूलन देवी जो बीहड़ के में 4 साल गुजारने के बाद 11 साल तिहाड़ जेल में रही, पागलों के साथ रखा जाता है, फिर भी डॉक्टर नहीं मानते हैं, सरकार नहीं मानती है, उसके पेट से बच्चेदानी निकाल ली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।